हाँ, बस मुझे लगता है कि वीकेंड में इट बिकम्स टू नॉइजी. हाँ नहीं, ठीक है. बट डीपी एजेंसी से अंकित ने बुलाया. हाँ जी. नहीं, मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मूवीज में रोते हुए बच्चों से प्रॉब्लम. आई डोंट हेट किड्स. अच्छा, क्लाइंट के यहाँ पहुँच गई, शाम को बात करती हूँ. हाँ अल्जाइमर्स पेशेंट को हैंडल किया आपने पहले? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम है. आई एम वेरी एक्साइटेड. यू आर एक्साइटेड? मतलब मैं कॉरेस्पॉन्डेंस एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो पहली बार लाइव सब्जेक्ट को पेशेंट से मिलने का मौका मिल रहा है. तो पहले आपने कभी ऐसा डिफिकल्ट पेशेंट हैंडल नहीं किया है? अब सी, पापा वैसे बहुत ही फंक्शनल है. जस्ट मेक श्योर ही डजंट लीव द हाउस. मतलब वैसे वॉचमैन है बाहर, पर फिर भी. और ये उनकी पिल्स हैं, इसका प्रेस्क्रिप्शन वहाँ पे है, फाइल में, फाइल टेबल पे है. ओके, डोंट वरी. आप लोग आराम से वेडिंग एंजॉय कीजिए. आई विल टेक केयर. कौन है ये बच्चा जो मेरे कमरे में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? यश, दादू फिर से मुझे भूल गए. ओह, हाय. से हाय. हाय. यू हैव किड्स? नो. हाउ मेनी टाइम्स पापा? पापा क्या कर रहे हो? बेडशीट बदल रहा हूँ. कब से बिछी हुई है पता नहीं, कब से. वही तो बदली थी आपने और मैंने. पर शांता को तो पता ना चाहिए ना कि एटलीस्ट. शांता छुट्टी पे है पापा. दीप्ति. पापा ये दीप्ति है, केयर गिवर. प्रभा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है पापा, हम निकल रहे हैं, देव की वेडिंग है ना. देव? बीना मासी सन, रिमेम्बर? जगदीश का बेटा. आपकी लास्ट हियरिंग 2015 में थी. जी डॉक्टर. दीप्ति, इट्स द सेम. देयर आर सिग्निफिकेंट एडिशंस इन द यूट्रस. तो प्रेगनेंसी इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू. एक बार फिर टेस्ट करें. दीप्ति, ये तीसरी बार था. बट यू कैन लुक इनटू अडॉप्शन. इट्स एन ऑप्शन अ लॉट ऑफ कपल्स आर कंसीडरिंग. यू रियली शुड स्पीक टू योर हस्बैंड नाउ. ही डिजर्व्स टू नो. Thank you, doctor. विलास, फटक खोलो ना. क्या कर रहे हो? मुझे कोर्ट पहुंचने में देर हो रही है. सर आज पब्लिक हॉलीडे है. मैं पब्लिक हॉलीडे पर भी काम करता हूं, तुमसे क्या मतलब? गिरिधर जी, एक मिनट. तुम कौन हो? मैं दीप्ति, आपका ख्याल रखने आई हूं. चलिए चलिए. पर प्रभा कहां है? मैंने उसे कितनी बार कहा मुझे छोड़ के नहीं जाना. प्रभा जी, बाहर चली गई. आई कांट वर्क लाइक दिस. हाथ मत लगाओ. प्रभा कहां है? आई टोल्ड हर नॉट टू गो आउट लाइक दिस. आई कांट वर्क लाइक दिस. आई कांट वर्क लाइक दिस. I'll take care of it. आप चलिए.
आप क्यों कर रहे हैं, मैं कर देती हूँ। तुमसे नहीं बनेगी। I have a secret recipe. प्रभा सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीती है। जाग गई? कोई है नहीं घर पे, शायद छाती पे गई होंगी। शादी? How long have Prabhaji and you been married? 41 years. She has been my partner, teacher, ass kicker. Ass kicker? Yes, whenever I go wrong. That's her now, Prabhaji? Isn't she lovely? Beautiful. And this? That is my daughter, Janvi. Nice nose ring. पहले बहुत रोती थी कि नोज पियर्सिंग करानी है, नोज पियर्सिंग करानी है। नोज पियर्सिंग जब कराई तो और ज्यादा रोने लगी। तुम्हारी भी नोज पियर्स्ड है, यू आल्सो वेयर नोज रिंग? मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती, ही थिंक्स आई लुक लाइक एन इडियट। मुझे भी खास पसंद नहीं। देखो आखिरी बार बोल रहा हूँ, फाटक खोलो, मुझे मीटिंग में जाना है। नहीं खोलोगे तो मैं इलीगल कन्फाइनमेंट। प्रभा जी आपको बुला रही हैं, उनको आपसे बात करनी है। अच्छा जी जी जी। जब से मैडम गई है ना मैडम, तब से ये हालत और खराब कर ली है अपना। जबकि सबको पता था मैडम जाने वाली है, लेकिन जिस दिन वो गई इनका दिल टूट गया एकदम से। क्या हुआ दीप्ति? केयर गिवर मेडिसिन। प्रभा को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। इट्स जस्ट कांट अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। प्रभा जी आपको हमेशा दिखती हैं? हमेशा कैसे दिखेगी? मतलब आपने उन्हें लास्ट टाइम कब देखा? सुबह कांदा पोहा बनाया था उसने मेरे लिए। अच्छा, हाउ डू यू फील? फील फाइन, थोड़ा गैस परेशान करता रहता है बस, अदरवाइज एब्सोल्युटली फाइन। आई मेंट हाउ डू यू फील अबाउट प्रभा जी? यू नो my heart still skips a beat every time she walks into the room. She is like one constant. Anyways, let's get down to work. Aapka naam? Your name is Deepthi. Husband's name? ध्रुव। ध्रुव, अच्छा। क्यों? तो मसला क्या है आप दोनों के बीच? कोई मसला नहीं है। लुक, डिवोर्स इज अ वेरी बिग डिसीजन, इट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, एंड आई नो कि उसके बारे में बात करते हुए हिचक महसूस होती है। इनफैक्ट इंडिया में तो बहुत सी औरतें वकील के पास जाती नहीं डर के मारे। आप आ गई हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू बी फ्रैंक विद मी, टेल मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स between the two of you. There are no problems. Dhruv acha hai. Huh?
हाँ, अच्छे तो सब होते हैं, बट आई मीन झगड़े होते हैं आपके अक्सर? Has he ever been violent? Has he ever hit you? No. मतलब he's short-tempered and controlling, लेकिन abusive नहीं है. Controlling, short-tempered. ठीक है, आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहती. I can understand that. So whenever you feel ready, मेरा नंबर तो है आपके पास. But appointment लेके आना please, and Vilas will show you out. आप अभी तक यहाँ? Listen, unless you talk to me frankly, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. अगर client बनना है तो सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा. कुछ नहीं है बताने को, ध्रुव सचमुच अच्छा है. Then I don't see on what ground. ऑफिस का नंबर में नहीं लग रहा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा. I'm ready to talk. Please help me. ठीक है, हाँ बताइए. ध्रुव प्रैक्टिकल है, थोड़ा ज्यादा ही प्रैक्टिकल है. मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, उसे लगता है कि थेरेपी वगैरह अमीरों के चोचले. मैं ट्रू लव में बिलीव करती हूँ. ध्रुव को लगता है कि ट्रू लव सिर्फ फिल्मों और किताबों में बिलीवेबल होता है. बस वो उसके बिलीव्स हैं, मैं अपने बिलीव्स में. जिन्हें तुम छोड़ दोगी उस नोज रिंग की तरह. कोई पार्टनर परफेक्ट नहीं होता गिरी, सब में कुछ फॉल्ट्स होती हैं, मुझ में भी बहुत सारी फॉल्ट्स हैं. यही होता है जब किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को दबाया जाता है, सारी प्रॉब्लम्स अपनी ही दिखाई देती. नहीं रियली, इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी हैं. रियली क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? Listen, don't worry. This conversation is protected by attorney-client privilege. It won't go beyond this terrace. I'm sure. मुझे अभी इमेजिन करो मुझ में ऐसी कोई कमी है जिसके बारे में ध्रुव को मालूम नहीं. आई एम स्कैर्ड कि जिस दिन मैं उसे बताऊंगी वो यू नो. जब प्रभा से मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार तो मेरा प्रैक्टिस शुरू ही हो रहा था. She's from a well-to-do family, और मैं किराया जोड़ने में लगा हुआ था. मेरा ऑफिस था एक 5x5 का कैबिन, सेकेंड हैंड मेज थी जिसके ऊपर का कांच भी टूटा हुआ था. मुझे बहुत डर लगता था कि अगर प्रभा ने मेरा वो ऑफिस देख लिया मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो एक दिन मेरे ऑफिस आ ही गई. उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मेज पर एक पेंटिंग बना दी. पेंटिंग बहुत अच्छा लगती है, एक पेड़ की पेंटिंग, और उस शीशे का क्रैक उस पेड़ की एक शाख बन गया. प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझ में कोई खामी थी, प्रॉब्लम ये था कि उस खामी को मैंने प्रभा से छुपाने की कोशिश की.
coming, Giri. Why did you write this? Why did you write this? It was a mistake. You have written, Prabha, the wife is dead. I want to know why you wrote this. Giri! Prabha! Prabha! Yes, sir? Yeah, hi. Sab theek hai, ma? Sab theek hai, sir. Achha, wo gas ka main switch off kar dena, ha? Varna he'll keep making tea all day. Theek hai, sir. Thank you. Giri! Sir, uthi, ek minute, sir, uthi. Oh, sir, slip maar gaya yahan pe. God. Sir, please. आप उठाओ इस तरफ से. गिरी, are you okay? सर, चलिए अंदर, चलिए अंदर, चलिए सर, आप ठंड बहुत ज्यादा. Don't change the subject. Tell me, why did you write this? Why did you write this? There's no point, Giri. आप आधे घंटे में भूल जाओ. There's no point. You've written, Prabha, the wife is dead. You know what an inauspicious thing this is to say? Tell me, I need to know. Nonsense. Prabha! She won't come, Giri. She can't come, Giri. Prabha ji is gone. No. So, usne subah hi kanda poha banaya tha mere liye. I'll show you. Orange dabbe. Orange dabbe mein tha. Khatam ho gaya hoga. Khatam ho gaya. No. This can't be. No, this can't be. This cannot be. You okay, Giri? What Prabha ji and you had was amazing. मैंने लोगों को अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में बहुत कुछ कहते सुना है, लेकिन कभी टीचर या एस किकर नहीं सुना. Obviously, जिंदगी के सबसे जरूरी सबक उस औरत ने दिए हैं. मेरी जिंदगी की सारी सक्सेस, सारी हैप्पीनेस उसके एक रूल की वजह से. She calls it rule number one. पापा, अरे पापा, ये चोट कैसे आई? स्लिप हो गए, छोटी सी चोट है. He's fine. अरे, you okay? Sure. Yeah, he's okay. सब मिस कर रहे थे आपको शादी पे. शादी कैसी थी? बहुत अच्छी थी. आई होप आज का दिन ज्यादा मुश्किल नहीं था. ये बात बहुत करते हैं. दिन भी ग्रेट था और बातें भी ग्रेट थी, पर अधूरी रह गई. रूल नंबर वन क्या है? बात यहाँ तक पहुँच गई पर पूरी नहीं हुई. सो प्लीज टेल मी. तुम जैसे भी हो काफी हो. गिरी, दीप्ति घर जा रही है. सॉरी दीप्ति, मैं इस वक्त क्लाइंट से नहीं मिलता. आप कल फोन करके आइए.
ओके थैंक यू. गुड नाइट मैडम. गुड नाइट. तुमने तो कहा था कि जब से मैडम गई हैं साहब की तबीयत और भी खराब हो गई है. हाँ तो मैडम तो अंदर है. प्रभा मैडम. मैडम मैं जानवी मैडम की बात कर रहा था. वो जब से हॉस्टल गई है ना इनको सदमा लग गया है. हाँ कसम से. ये क्या है? कंदा पुआ.